नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, इसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जीके है। देखिए, यूपी पीसीएस का इस बार एग्जाम जो है उसमें फॉरेस्ट वाला एग्जाम भी है, तो ये आशंका जताई जा सकती है कि जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला जो पोर्शन है उससे क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। अब ऐसा करेंगे कि कुछ पार्ट में मैं इसमें जीके बता दूंगा आपको पूरी, जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जैसे अभी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी एक इंक्लूड कर दी गई है, प्लस जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सब कुछ देख लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट वाले इन्वायरमेंटल एक्ट हैं, इंपॉर्टेंट वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है, सब कुछ देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रीन हाउस गैस से। ग्रीन हाउस गैस, देखिए ये इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं रखूंगा यहाँ पे। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो चीज मुझे हिंदी में मिल रही है मैं हिंदी में रखूंगा, जो इंग्लिश में मिल रही है इंग्लिश में रखूंगा, बताऊंगा सब कुछ हिंदी में ही, ठीक है? तो ये हिंदी इंग्लिश मत करिएगा आप लोग, ये बहुत करते हैं, तो बहुत मैसेज आते हैं। अभी देखना, मैं इतना बोल रहा हूँ फिर भी लोग करेंगे, तो जो जहां मिल रहा है सब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे हिंदी वाला डेटा मिला है तो हिंदी वाला कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे ये अगर आप हिंदी देखें कि जैसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखें कि बहुत से इंपॉर्टेंट जैसे इंडिया में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पे, देहरादून में। यहाँ पे प्लेस आपको पता होना चाहिए कहाँ पे लोकेटेड है, वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में है, ठीक है? वर्षा वन अनुसंधान संस्थान है आपका, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जो है वो जोरहाट में है, ठीक है? असम में जोरहाट में लोकेटेड है ये। तो ये है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। फिर आपका है वर्षा, सॉरी, वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन स्थान कोयम्बटूर में है, वन उत्पादकता केंद्र रांची में, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है भोपाल में। इसकी इंग्लिश वाली लिस्ट भी दे दूंगा, कहां पे दे दूंगा, ओनली यूपी पीसीएस में। पूरी एक मेरे पास इन्वायरमेंटल जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंपॉर्टेंट वो सब आते हैं, उनकी पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, वो आपको मिल जाएगी ओनली यूपीपीएससी में, फ्री में एकदम। फिर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आपकी चीजें हैं कि भारत में पहली प्रथम वन नीति कब हुई, वो आई थी 1894 में, याद रखिएगा जरूर इसको। उसके बाद है यहाँ पे स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति यानी कि फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी, ये 1952 में आई थी, उसको रिवाइज किया गया 1988 में। फिर उसके बाद है राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारी विकास बोर्ड की जो स्थापना हुई 1992 में। देखिए, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पर्यावरण विकास जो बोर्ड है, इस ये पर्यावरण है, पारी नहीं है, पर्यावरण की स्थापना हुई 1992 में। फिर भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना हुई 1916 में। ये है आपका कुल मिला के जैव है, ये जय नहीं है, ये जैव है, बायोडाइवर्सिटी जो एक्ट हुआ था 2000 में आया था और 2002 से लागू हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब चीजें। और कुछ इंपॉर्टेंट आगे देख लीजिए कि ये कुछ कानून है आपके, जैसे कि जल संरक्षण वाला जो वाटर कंजर्वेशन वाला है वो 1974 में आया था, वायु संरक्षण वाला आया था 1981 में, वन संरक्षण यानी आया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो आया था 1980 में, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम आया था 1986 में, इसको बोलते हैं अम्ब्रेला एक्ट, ये है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है? वन जीव, ये आपका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट आया था 1972 में। अब देखिए भारत में जो है, इंडिया में ये बताइए आप कितने नेशनल पार्क हैं, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और यूपी में कितने हैं, ये वाला डेटा मैं अगले वाले में दूंगा। अभी पहले आप इसमें इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस किसको बोलते हैं, उन गैसेस को बोलते हैं जो एब्जॉर्ब करती हैं और इमिट करती हैं इंफ्रारेड को, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने कई बार जो छोटे क्लासों की बुक होती है एनसीईआरटी में, उसमें आपने पढ़ा होगा कि कई बार क्या होता है कि कोल्ड जो एरिया होते हैं वहां पे एक्चुअली हीट नहीं होती, तो वहां पे मतलब पेड़ उड़ नहीं उगा पाते हैं, तो वहां पे ग्लास सा लगा देते हैं कि अगर सनलाइट जाए अंदर तो वो वापस नहीं निकल पाए, मतलब वहां पे एक कुल मिला के ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट किया जा सके, ताकि वहां पे टेम्परेचर बढ़ाया जा सके, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वही वाली गैसेस होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, इंफ्रारेड रेडिएशन में काम करती हैं ये। अब देखिए इनकी लिस्ट आपको रटी होनी चाहिए, ये लिस्ट भी पूछ लेते हैं, इवन आपको इनमें से पांच दे देंगे, कह देंगे बताइए इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस है, तो ये लिस्ट रट लो जितनी जल्दी हो सके रट लो। वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस है, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, मिथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन भी इवन ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस गैस, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस गैस है, याद रखिएगा। ये सबके समय साथ हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है? उसके बाद और देखिए, मैं इसमें फैक्ट्स सिर्फ बता रहा हूं यहाँ पे। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल मान लो अगर आपसे पूछ ले तो किसका सबसे ज्यादा है, देखिए सबसे ज्यादा होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड का, रट डालना ये चीज, ठीक है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है?
देखिए, अगर आप एक यहाँ पे ट्रिक देखें तो सल्फर हेक्साक्लोराइड में सबसे ज्यादा ये जो है ना शब्द, मतलब SUL, अगर इसको आप अलग अलग अल्फाबेट गिनो तो सबसे ज्यादा यहाँ पे है। बस इसी से आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पोटेंशियल इसका है, ठीक है। इसका अल्फाबेट पोटेंशियल भी सबसे ज्यादा है ऐसे अगर आप मान सकते हैं, और ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल भी ऐसे, मतलब याद कर लीजिए ट्रिक से। सबसे कम होता है CO2 का, इसको अगर रेफरेंस लेंगे 1, तो मिथेन का इससे भी ज्यादा होता है, कितना, करीबन 6-7 गुना होता है। और वो लाइफ टाइम के हिसाब से होता है, 20 साल का आप निकाल लो, कि 100 साल का निकाल लो, कि 500 साल का निकाल लो, तो इस हिसाब से होता है। मिथेन का भी इससे ज्यादा है CO2 से, नाइट्रोस ऑक्साइड का उससे भी ज्यादा है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उससे भी ज्यादा है, परफ्लोरोमेथेन का उससे भी ज्यादा है, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड का सबसे ज्यादा है। ठीक है, रट गया ये चीज, ये डालना बिल्कुल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये आपकी मोस्ट इफेक्टिव इन्वायरमेंट ट्रीटी है। अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इफेक्टिव ऐसी कौन सी ट्रीटी है, ये कौन सी ट्रीटी है जो कि कंप्लीट रेटिफिकेशन के साथ लगी है, वो है आपकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये कंप्लीट रेटिफिकेशन हुआ है, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मानी गई है अभी तक। 197 यूएन मेंबर्स ने इसको सपोर्ट किया था, ये फोर्स में कब आई थी, 1989 में। अब देखिए इसमें यहाँ पे फैक्ट आपसे पूछे जाएंगे, ये यही पूछ लिया जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आई थी फोर्स में, तो ये 1989 में आई थी। किस चीज से रिलेटेड है ये, ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको खत्म करने के लिए, उनको फेज आउट करने के लिए, उनका यूज बंद करने के लिए किया गया था। ठीक है, इसी में एक अमेंडमेंट आते रहते हैं, कई सारे किगाली अमेंडमेंट जो है वो भी इसी से रिलेटेड है, इसी का 8वां अमेंडमेंट है। और इसने अगर आप देखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने, करीबन 98% जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अच्छा ये सब यूज होता था वो जो रेफ्रिजरेंट होते हैं, एसी फ्रिज इन सब में, तो उसमें मतलब ये काफी ज्यादा नुकसान कर रहा था ओजोन को, डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीट हो जाएगी तो फिर यूवी रेज आ जाएंगी ना, सबके कैंसर हो जाइए भैया जी, इसीलिए। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोजन कार्बन और फ्लोरीन से बने होते हैं, इसमें क्या होते हैं, इनको इसीलिए यूज किया जाने लगा कि ओजोन डिप्लीटिंग अगर सब्सटेंस, जैसे आप पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज कर रहे थे तो उसको नहीं यूज करेंगे तो फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज करने लगे, ये लोग ओजोन तो डिप्लीट नहीं कर रहे थे, लेकिन इन लोग के साथ एक नई समस्या खड़ी हो गई कि ये लोग क्या है, ये लोग ग्रीन जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको बढ़ाने लगे, मतलब एक एक चीज अपने, एक प्रॉब्लम खत्म हुई दूसरी चालू हो गई, तो इसीलिए है ये सब चीजें। अच्छा एक बात और, हाइड्रो फ्लोरोकार्बन इनका कोई भी ऐसा मतलब इंटरनेशनल नेगोशिएशन नहीं है, ठीक है, वो पेरिस वाला जो वही इनसे रिलेटेड है। किगाली एग्रीमेंट में हुआ क्या था, किगाली एग्रीमेंट ये किगाली नाम की जगह में हुआ था ये 2016 में रवांडा में, और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को इसमें अमेंड किया गया है। इसमें बोला गया है कि आप ऐसा करिए, सभी लोग जो भी ये यूज कर रहे हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इनको आप 80-80% कम करिए अपनी जो भी बेस लाइन, मतलब जहां से आप रेफरेंस लेंगे, और 2045 तक कर दो भैया जी, ठीक है। उसके बाद फिर ये है, ये इसीलिए किया गया जा रहा है कि 2100 तक जो आपका टेम्परेचर है, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, उसको आप अरेस्ट करो 0.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता ऐसा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा टेम्परेचर। तो किगाली एग्रीमेंट मॉन्ट्रियल से ही रिलेटेड है, और ये एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ये लीगली बाइंडिंग है। अगर आपसे 2-3 स्टेटमेंट आ जाएंगे तो याद रखिएगा लीगली बाइंडिंग है। कब से फोर्स में आएगा, ये 1 जनवरी 2019 से फोर्स में आएगा। 3 टाइप के यहाँ पे ग्रुप बनाए गए हैं, पहला वाला वो है जो बहुत अमीर है, यूएस यूके ईयू वाले, उन लोगों से बोला गया 2012 के लेवल पे आप 2036 तक जो है आप इसको 15% कम करिए, ठीक है। उसके बाद है आपका ये 2019 से मतलब चालू करेंगे, और सेकंड वाले ग्रुप में जो है चाइना ब्राजील ये सब कंट्रीज हैं, इनसे बोला गया 2024 से आप चालू करिए, और 2021 के लेवल पे आप 2045 तक अपना 20% कम करिए। थर्ड ग्रुप में डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो सेकंड वाले में इमर्जिंग इकोनॉमी से, थर्ड वाले में इंडिया पाकिस्तान ये सब है, ईरान सऊदी अरेबिया, और इसमें बोला गया है कि आप भी अपने जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उनको 2028 सॉरी 2028 से आप चालू करिए, और 2024 से 26 वाले लेवल पे 15% कम करने हैं। इंडिया वाला डेटा याद रखिएगा, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। देखिए ये वाला इंडिया का डेटा है कि आपको 2024-26 का रेफरेंस लेना है, 2028 से चालू करिए आप, और 2047 तक इसको 20-15% में कम कर दीजिएगा, ठीक है, लीगली बाइंडिंग है ये याद रखिएगा। उसके बाद और आगे इंपॉर्टेंट जीके देख लेते हैं, एनएपीसीसी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, आप इसको रट डालिएगा, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसमें 8 कोर नेशनल मिशन है, और इसमें करीबन ये 2007 से प्लान चला, ये चलाया जा रहा है, ये 2017 गलत लिखा हुआ है, 2007 होना चाहिए यहाँ पे,
तो इसको आप याद रखिएगा इसमें, ठीक है। और 2008 में आया था ये कुल मिला के। इसका ट्रिक है सहवाग इज ए हाई क्लास प्लेयर, ठीक है। SEHWAG ये याद रखने हैं आपके, तो 6 ये वर्ड हो गए हाई क्लास, यानी कि HC ये आपको 8 हो गया। तो सहवाग HC अगर आप याद रखेंगे तो आपको याद रख सकता है ये 8 मिशन जो इसमें से हैं। ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से मिशन जो है नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज के हैं। तो नेशनल सोलर मिशन हो गया, नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी हो गया, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट हो गया, नेशनल वाटर मिशन हो गया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इको सिस्टम हो गया, और ग्रीन इंडिया और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। सहवाग इज अ हाई क्लास प्लेयर, वो तो वैसे भी है। तो सहवाग HC आपको याद रखना है बस इतना, ठीक है। इन्वायरमेंट एक्ट ये है, और ये वाला अगले वाले में देखेंगे। पहले इसमें ये इंपॉर्टेंट बहुत है कि देखिए इस समय जो है आप अगर देखें कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी हो गई है, ये हो गई है हमारी, देखिए अभी एक लेटेस्ट जुड़ी है 2018 में, और उसका नाम है विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको इन सेम्बलेंस ऑफ मुंबई। ये मुंबई ये जो है 2018 में जुड़ी हुई है, ठीक है। ये इंडिया की 37वीं साइट है, याद रखिएगा। 42वां जो सेशन हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी का, कहाँ पे हुआ था? बहराइन में, वहां पे इसको जोड़ा गया है। तो इस समय इंडिया के अगर आप देखें तो कितनी साइट हो गई, देखिए 29 तो हो गई कल्चरल, ठीक है, और 7 हो गई नेचुरल, तो 29 7 हो गया 36, और 1 हो गई मिक्स वाली कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो 37 इस समय वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और सबकी लोकेशन एक बार देख लीजिएगा। अगले वाले वीडियो में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद। बताइएगा इसमें सब ठीक है कि नहीं, और कोई अगर आपका इसमें, देखिए इन्वायरमेंट के लिए मैं सोच रहा हूँ आपकी पूरी जो स्टैटिक जीके वो फिनिश करा दूं जल्दी जल्दी, और वो बाकी करंट अफेयर तो अपना रहेगा ही, ठीक है। ऑल द बेस्ट है।